नमस्कार, मैं हूं जटाशंकर सिंह। आइए देखते हैं मेट्रो इंडिया न्यूज, हर खबर पर खास नजर। बोरीवली विधानसभा के विधायक सुनील राणे के मार्गदर्शन में अथर्व फाउंडेशन और जसलोक हॉस्पिटल के सहयोग से बोरीवली चारकोप कोराई क्षेत्र में रहने वाली हजारों महिलाओं हेतु सेंट रॉक्स स्कूल में दो दिवसीय विशेष कोविड शील्ड वैक्सीनेशन कैंप का मुफ्त आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में टीवी की कलाकार मोहक भट्ट ने स्वयं पहुंचकर वैक्सीन की दूसरी डोज ली और आम महिलाओं को कोविड से बचने हेतु वैक्सीन लगवाने का संदेश दिया। इसके पहले गोराई तथा मनोरी गांव के नागरिकों के लिए विधायक सुनील राणे ने विशेष वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया था। पेश है एक खास रिपोर्ट। ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो स्पेशली महिलाओं के लिए इसका आयोजन किया गया है, तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि काफ़ी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है महिलाओं को वैक्सीनेशन लेने के लिए, क्योंकि उनको घर का काम संभालना पड़ता है, उनको ऑफिस का काम संभालना पड़ता है, सारी महिलाएं कहीं ना कहीं बिजी होती है और उस वजह से वो लंबी लंबी लाइनों में ज़्यादा टाइम तक रुक नहीं सकती क्योंकि काफ़ी लंबी लाइनें होती है, सबको वैक्सीनेशन लेना है। और ये जो आज योजना की गई है उस वजह से महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छा हो गया है कि उनको अपना ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता और सबको वैक्सीनेशन दिया जाएगा। अभी मैं सुन के आ रही हूँ कि पूरे 1000 से ज़्यादा महिलाएं कल आई थी वैक्सीनेशन लेने के लिए और आज उससे भी ज़्यादा महिलाओं को आज यहाँ वैक्सीनेशन दिया जाएगा। तो ये जो अथर्व फाउंडेशन और जसलोक हॉस्पिटल का जो कोलैबोरेशन है बढ़िया है, क्योंकि ऐसी एक चीज़ है जिससे सबका फ़ायदा हो रहा है, सबके लिए एक अच्छी चीज़ हो रही है। और इसका आयोजन जिसने किया है मिस्टर सुनील राणे, उनका भी मैं भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि आज मैंने खुद ने भी यहाँ पे मेरा वैक्सीनेशन लिया है सेकेंड डोज, तो ये बहुत ही अच्छा आयोजन है और आई एम रियली रियली थैंकफुल टू अ ग्रेट पर्सन लाइक मिस्टर सुनील राणे जो इतना महिलाओं के बारे में सोच रहे हैं। अथर्व फाउंडेशन की तरफ से पहले भी इस तरह के कई कार्यक्रम किया था। मैं बस यही शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि ये जो अच्छा कार्य है जो महिलाओं के लिए बच्चों के लिए, ये बहुत अथर्व फाउंडेशन बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम करते हैं जिससे सबका अच्छा हो, सबको फ़ायदा हो, तो मैं बस यही शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि ये जो अच्छा कार्य है वो ऐसे ही चलता रहे। गुड विशेज एंड गुड लक। वैसे आज अपने वैक्सीनेशन का दूसरा दिन है। जैसे कल भी मैंने कहा था कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेरणा लेते हुए हम सभी ने पूरे देश भर में कहीं पर भी ऐसा स्थिति जहां पर हुई कि महिलाओं के बारे में लसीकरण में थोड़ी कमी दिखाई दी, तो सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए बहुत सारे व्यक्तियों ने, बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं ने महिलाओं के लसीकरण के लिए और बाकी के सभी वर्ग के लोगों के लिए लसीकरण के केंद्र बनाए। हमने भी अथर्व फाउंडेशन और जसलोक हॉस्पिटल के माध्यम से आज और कल विशेष रूप से महिलाओं के लिए 2000 टीका का कार्यक्रम यहाँ पर किया। आज 1000 महिलाओं का लसीकरण पूरा होगा। हम देखते हैं, आज भी अखबारों में छपा है कि करीबन 70-80% पूरे देश भर में टीकाकरण पूर्ण होने जा रहा है। 10 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर 100% टीकाकरण होगा। अभी लोगों को ये जानकर खुशी होने लगी है कि टीकाकरण से ही कोरोना से 97-98% तक मुक्ति पाई जा सकती है और इसके लिए, लसीकरण के लिए, टीकाकरण के लिए भारी मात्रा में महिलाएं भी यहां पर जुटी रही हैं।